पिताजी स्कूल में पहुंचे सामने मीना मैडम पढ़ी इससे पहले उस मोमेंट से पहले मैंने लाइफ में लव एट फर्स्ट साइट केवल सुना था पिक्चरों में भी देखा था रियल लाइफ में मैं पहली बार होते हुए देख रहा था <laughs> तो मुझे ये लगता है कि आजकल के जो लड़के हैं ना ये 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 क्या करेंगे प्यार इनके बस का क्या है यही सब करते रहेंगे ऐसे ही ना मेरे पिताजी को लगता था कि ये क्या करेंगे प्यार प्यार तो हमारे जमाने में होता था है ना और मेरे जो पिताजी थे वो जो सच्चा प्यार करते थे वो इस देश के 99% पिताओं की तरह मेरी माँ से नहीं करते थे <laughs> वो सच्चा प्यार करते थे मेरी क्लास सेकंड की क्लास टीचर से मीना पाठक नाम था उनका मीना कुमारी उनको प्यार से बुलाते थे और हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ने में कोई कमजोर नहीं था लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घटती है एक हजार साल में जब ऐसा रैंडम प्यार होना होता है दुनिया में तो मेरे मैथ्स के टेस्ट की कॉपी घर पे आई और हुआ ये कि कई बार टीचर बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती तो एक दो नंबर का रह जाता है चेक करने से एक आध पन्ने मिस हो जाते हैं इस कहानी का नाम पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो जो लोग भी इतने ध्यान से सुन रहे हैं उनको बता दूँ तो हुआ क्या कि एक नंबर का सवाल जो था बीस में से उन्नीस नंबर मेरे आए हुए थे एक नंबर का सवाल चेक नहीं हुआ था 20 में से 19 नंबर दुबे खानदान में पिछले डेढ़ सौ सालों में जब से लॉर्ड मैकाले के समय से यहाँ पे स्कूल्स हैं ऐसा पहली बार हुआ था कि दुबे खानदान में किसी का एक नंबर कट गया था पिताजी ने उठा के देखी कॉपी और देखा कि यार ये एक नंबर का सवाल तो सही है तुम्हारा छूट गया है मतलब टीचर ने नहीं किया उन्होंने कहा आज कल क्या पढ़ाते हैं फन बनाते हुए जाके स्कूल में पहुँच गए वो वो ये वो दौर था कि जब प्रिया स्कूटर हुआ करता था और पिताजी स्कूल में पहुंचे सामने मीना मैडम पड़ी इससे पहले उस मोमेंट से पहले मैंने लाइफ में लव एट फर्स्ट साइट केवल सुना था पिक्चरों में भी देखा था रियल लाइफ में मैं पहली बार होते हुए देख रहा था <laughs> वो जो तमतमाते हुए उनका जो भी गुस्सा था वो ऐसे गायब हो गया जैसे डिमोनिटाइजेशन के बाद से इस देश से काला धन गायब हो गया <laughs> तो मैडम ने पूछा कि दुबे जी आप यहाँ कैसे अब पिताजी बहाना तो भूल चुके थे जिस वजह से वो आए थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस ऐसे ही मैं गुजर रहा था तो सोचा कि पूछ लें कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा है डिप्पी तो उन्होंने कहा मैडम ये तो बहुत मैडम, मैडम ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है पढ़ने में सही है बस ये थोड़ा और फोकस करे तो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है बस थोड़ा और फोकस अच्छा ये जो थोड़ा और फोकस वाला फंडा है ना ये मेरे को कभी लाइफ में समझ नहीं आया कितना ही फोकस कर लो थोड़ा सा फोकस रह जाता है कितनी कोशिश कर लो थोड़ा सा रह जाता है मैडम ने कहा कि देखिए बाकी सब ठीक है इसकी जो डिप्पी की हैंडराइटिंग है ना यह बहुत खराब है तो पापा जी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है मतलब इस पर तो मैं पर्सनली मेहनत करूंगा और उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ा वादा कर दिया कि मैं डिप्पी की हैंडराइटिंग पे मेहनत करूंगा इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी पिताजी जो सुबह लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे एक ऐसे आदमी को मेरी हैंडराइटिंग पे मेहनत करनी थी देखिए वैसे भी क्लास सेकंड की जो टीचर होती है ना वो हर पिता के हर पिता की इस दुनिया में आखिरी उम्मीद होती है बातें इधर उधर की होती रहीं फिर यह तय हुआ और मैडम ने भी कहा बड़ी तारीफ में पिताजी कि आप कितने अच्छे हैं कि आज आप रैंडमली भी पूछने चले कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं आते पिताजी के कान में तीन नए शब्द पड़े पेरेंट्स टीचर मीटिंग उन्होंने पूछा कब है ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग पता चला अगले शनिवार को है लहराते हुए हम लोग वो अलग ही दौर था मतलब हम लोग तैयार हुए प्रिया स्कूटर पे बैठे मैं पीछे बैठा हम स्कूल पहुँचे तम तम आते हुए मैं कमरे में गया मैडम बैठी हुई थी और मैं गया और मैडम ने मुझे अपने पास बुलाया और यहाँ पे इस जगह सर इस जगह प्यार किया उन्होंने मुझे मैंने ऐसे देखा पिताजी को कि आप कितनी बैटिंग कर लो छक्का तो हमें ही मारना है जब ये सब हो गया देखिए हम लोग एक और चीज है जो 90s में हम लोग बड़े हो रहे थे हम लोग बहुत समझदार थे आजकल के बच्चों की तरह नहीं है कि कोई सीन आ जाता है टीवी पे हम लोग को उठ के जाना पड़ता है पहले कितना सही था हमें पता था जो दूरदर्शन पे साढ़े आठ बजे न्यूज आती है ब्रेक में किस चीज़ का ऐड आता हमें पता था लेकिन हम लोग इतने शरीफ थे अपने आप पानी लेने चले जाते थे कोई पिक्चर में सीन आ गया अपने आप चले गए मुझे पूरी उम्मीद है मैं भी उस कमरे से तुरंत निकला और चला गया और अगले आधे घंटे मेरे पिताजी ने और मीना मैडम ने ज़रूर मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर ही बात की होगी ऐसा मेरा विश्वास है अपने पिता पे और मीना मैडम पे भी ये सब सिलसिला चलता रहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रही पढ़ने में मैं जैसा भी था थोड़ा बहुत बेहतर हुआ और गलती से क्लास सेकेंड में मैं टॉप कर गया रिजल्ट वाले दिन पिताजी स्कूल पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी मैं दूंगा मैडम ने कहा नहीं पार्टी तो मैं दूंगी मेरा बच्चा है मेरे बच्चे जैसा है अब मैं पिताजी की शक्ल अब याद करता हूं तो लगता है कि वो क्या क्या सोच रहे होंगे जब मैडम ने बोला होगा कि मेरे बच्चे जैसा है <laughs> दिन तय हुआ दिन बहुत ही अमेजिंग था और आज देखिए मैं कहानी सुनाते हुए ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं घबरा रहा हूँ आज पहली बार है मैं पिछले दस साल से सब कहानियों के दुनिया में हूँ आज पहली बार मेरे घर से कोई आया है कौन आया ये मैं नहीं बताऊंगा अभी तो ये सब चलता रहा और ये हुआ दिन तय हुआ कि भाई उस दिन पार्टी होगी वो दिन बहुत क्रांतिकारी था ये वो दिन था जब एक बड़ी अमेजिंग चीज़ होती थी तब भी होती थी अब भी होती है किटी पार्टी वो दिन तय हुआ जिस दिन मम्मी की किटी पार्टी थी ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हों दिन तय हुआ मैं पिताजी हम लोग प्रिया स्कूटर पर बैठे मैं पीछे बैठा हम पहुंचे मैडम के मोहल्ले में हम पहुंचे और वहां पे जब हम पहुंचे मैडम आई मीना मैडम आई वो स्कूटर में पीछे बैठी मैं अच्छे बच्चों की तरह समझदारी से स्कूटर में आगे जाके खड़ा हो गया हम लोग जब उस मोहल्ले से निकल रहे थे ना जब पीछे मैडम बैठी थी आगे पिताजी थे और आगे मैं खड़ा था तो हम लोग उस जो साइड थी ना उस मोहल्ले में अगर कोई देखता कैमरा लगा देता तो हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर होते लगते चलते चलाते हम लोग पहुंचे दूर एक जगह मसाला डोसा खाने मसाला डोसा दो मसाले डोसे ऑर्डर हुए और बच्चों के लिए दो एक सादा डोसा ऑर्डर होता है तो मेरे लिए एक सादा डोसा ऑर्डर हो गया ये सब कुछ हुआ उसके बाद मैडम ने एक छोटा सा पर्स लिया हुआ था बहुत छोटा सा इस पर्स में ना एक दो दिन वीकेंड का सामान आ जाएगा <laughs> है ना उस समय ऐसा नहीं होता था बहुत ही मासूम दौर था वो तो मैडम ने एक छोटा सा पर्स निकाला और मेरे पिताजी की तरफ वो पर्स निकाला उन्होंने मेरे को माथे पे फिर से दोबारा प्यार किया मैंने दोबारा देखा पिताजी की तरफ छोटे से पर्स से एक छोटा सा कार्ड निकाला एक लिफाफा निकाला और पिताजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा भाई साहब शादी में पक्का आना है भाभी जी को लेके आना है परिवार सहित आना है डोसा तो खैर जो आता सो आता पिताजी को डोसा से नफरत हो गई आज तक वो डोसा नहीं खाते क्लास सेकंड में रगड़ के मेहनत करने के बाद भी वो क्लास सेकंड में फेल हो चुके थे उनका इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से ही विश्वास उठ गया उस दिन मीना मैडम ने शादी के बाद कॉलेज आना छोड़ दिया स्कूल आना छोड़ दिया और पिताजी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना छोड़ दिया अब मैं इस इंतजार में हूँ कि कब मेरा बेटा <laughs> क्लास सेकंड में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊं थैंक यू